अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का कमेंट था कि जो हैंडी बॉर्डर चादर का डिज़ाइन है उसे आप बनाकर बताइए। तो फाइनली मैं इसका वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें आप सभी। तो अभी हमारा फ्लावर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से था, तो वैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर हरे रंग का लत्ती का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने गोटा पट्टी ली है और इस पर मैं इसे दो भाग में बांट लूँगी। तो देख सकते हैं मैं लत्ती को दो भाग में से कर रही हूँ। करने के बाद इसे कट लगा लें। कट लगाने से इसे नीडल में आप डाल लें, नॉट्स लगा लें। लगाने के बाद से अपने नीडल को लें और इसे नीचे की तरफ से ऐसे आप निकाल लें सुई को। निकालने के बाद से थोड़ा सा कपड़े से नीचे लगा कर अपने सुई को निकालें। निकालने के बाद से उसे हम जैसे फोल्ड में कर रही हूँ वैसे ही अपने लत्ती को फोल्ड कर लें और ऐसे खींच लें। खींचने से ऐसे आपको इसे नीचे की तरफ लगाकर और फिर ऊपर की तरफ निकाल लें सुई और ऐसे फिर वैसे सेम करेंगे लो हम। और यहाँ पे मैं अब अलग बताने वाली हूँ जो इजी बहुत होता है। ऐसे खींचने के बाद से फिर इसको बीच से हम लोग लगाएंगे सुई। तो सुई लगाने के बाद से फिर दोबारा हम इसे कर लेंगे। सेम यही प्रोसेस हम लोग करेंगे टोटल। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे करने के बाद से यहाँ पे नीचे से सुई को ऊपर से हम लगा लेंगे और नीचे लगाने के बाद से यहाँ पर एक नॉट्स लगा लेंगे ताकि हमारा पक्का हो जाए, निकले बिल्कुल ही ना। और वैसे हम लोग नीचे की तरफ से लगाएंगे और जैसे दाढ़ी होता है वैसे हम लोग ऐसे सिकड़ी ये डिज़ाइन बोलते हैं हम लोग ऐसे, और उसे ही हम लोग निकाल लेंगे दाढ़ी की तरह। ऐसे मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग कर लेंगे यहाँ से भी। फ्रेंड्स, सेम यही प्रोसेस सब में रहेगा, टोटल में यही प्रोसेस हम लगाएंगे साइड से, ऐसे ही हम लोग निकालते रहेंगे। लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जहाँ से जिस साइड से अपने लत्ती को घुमा रही हूँ वैसे आप भी घुमाएं। अब आपको अपना मतलब देखना पड़ेगा कि लत्ती किस तरह से कैसे है, वैसे आप लोगों को बनाना है। देख सकते हैं सेम वैसे हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने टोटल कर ली हूँ और वैसे सेम सेम फिर यहाँ पे भी मैं करूँगी वैसे ही सेम सेम। उससे बहुत ही इजी और सिंपल है इसे बनाना, तो आप देख सकते हैं। और वैसे करने के बाद से फिर हम वैसे ही करेंगे सेम, इस साइड पर मैं वैसे ही कर रही हूँ ऐसे। एंड टोटल हम वैसे ही कर लेंगे और करने के बाद से हम देख सकते हैं यहाँ पर मैं
से नीचे लगा लेंगे। अब ये मेरा गोटा पट्टी है जो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेम वैसे नहीं है जैसे मैंने चादर में बनाया है, थोड़ा सा मेरा अलग है, लेकिन आपको वैसा मिले तो वैसे ही लगा या फिर ऐसा मिलेगा। इसे कट्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। कट लगाने के बाद से देखो साफ करके वहाँ पर आ जाए, उसे सेंटर में लगाना है आपको। जैसे मैं यहाँ पर निकाल दी सुई, और निकालने के बाद से आप इसे इसके बीच का जो पार्ट है उसे अब इसे नीडल को लगा लें। लगाने के बाद से उसे फ्लावर को ऐसे सेट कर लें। एंड सेट करने के बाद से आप इसे बीच से एक बार और सुई लगा लें, और लगाने के बाद से इसे फिर ऐसे सेट करें। करने के बाद से जो हमारा फ्लावर का जो भी कोना निकला है तो उसके एक एक साइड से, जैसे मैं अभी कर रही हूँ साइड से ऐसे मैं करूँगी। एंड करने के बाद से एक और वहाँ पर जैसे हम लोग नीडल को लगा लेंगे, इसे टाइट खींच लें अपने नीडल को लगा लें, और लगाने के बाद से ऐसे खींच लें। सेम वैसे हम सब पर करेंगे, टोटल जितने भी हमारे पट्टियाँ हैं वैसे टोटल पे वैसे हम कर लें, ताकि हमारा काफ़ी अच्छे से सेट हो जाए। एंड यहाँ पर मैं ऐसे बता रही हूँ आप सभी को, देख सकते हैं तो फ्रेंड्स, ऐसे करने के बाद से देखें ऐसे हम लोग लास्ट में भी वैसे सेम करेंगे। करें से देख सकते हैं यहाँ पे कितना फिट बैठा है, बिल्कुल ऐसे किसी भी हम लोग करेंगे ये निकलने वाला बिल्कुल ही नहीं है, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलने वाला है। आप ये बेडशीट ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा भी लगता है और ये काफ़ी टाइम तक रहता भी है। दूसरे वाले को भी हम लोग वैसे ही सेट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर भी हम अपनी जो हमारी टिक्की है, इसे हम टिक्कियाँ भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम इसे लगा लेंगे। फ्रेंड्स, हम सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले वाले में हम लोगों ने बनाया था। तो वैसे बनाने के बाद से हम देख सकते हैं ये हमारा कैसा लग रहा है, सेम वैसे ही चादर में वैसा ही मेरा है। तो फ्रेंड्स, आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।